नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आपको एक सिंगल वीडियो में भारत के सभी राज्यों के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो पता लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, राज्य का नाम क्या है, उसकी राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, वो मैप में कहाँ पर है, किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और उससे रिलेटेड जो अभी करंट के कुछ चर्चित मुद्दे रहे हैं वो क्या क्या हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके साथ ही आप हमारे एमजेटी ऐप पर भी जाकर के स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्लियर? तो बिना ज़्यादा देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल में अभी हुआ है चुनाव, अभी एक्चुअली में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा जब चुनाव हुए हैं तो उनको हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें वही हैं, तो जिससे आप जब भी इस वीडियो को दोबारा देखो, रिवीजन करो, तो शुरुआत में जो नए चेंजेस हुए हैं क्योंकि वहां से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उन्हीं को आप लोग पहले देख लो, रिवीजन आपका क्विकली हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल मैप में देखेंगे आप यहाँ पर है। ममता बनर्जी जी यहाँ की हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, जो कि हैं टीएमसी पार्टी से, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस या इसे एआईटीसी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्लियर? गवर्नर हैं जयदीप धनखड़ जी। अच्छा, ममता बनर्जी जी लगातार तीसरी बार बने हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर। और एक और पॉइंट याद रखना है, देखिए विधानसभा यहाँ पर चुनाव तो हुआ ही, लेकिन ममता बनर्जी जी ये नंदीग्राम सीट से लड़ी थी चुनाव और वहां से सीट ये गंवा चुके हैं, यानी वो चुनाव हार गई, खुद का चुनाव हार गई, खुद की सीट हार गई, लेकिन पूरे राज्य में ये जीती, इनकी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती, इस वजह से ये मुख्यमंत्री बनी। तो अब नंदीग्राम से ये सीट हार गए हैं, किसने हराया है, शिवेंदु अधिकारी ने हराया है, बीजेपी पार्टी से थे, तो इनको 6 महीने में ये दिखाना होगा जयदीप धनखड़ जी को, वहाँ के राज्यपाल को, कि हम सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं और इस वजह से मुख्यमंत्री का पद ये कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो ये 6 महीने से ज़्यादा मुख्यमंत्री कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अभी पश्चिम बंगाल में इन्होंने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी। अब ध्यान से देखिएगा, जिन राज्यों में विधान परिषद भी होता है विधानसभा के साथ साथ, तो अगर विधानसभा में अगर वो सदस्य नहीं है तो अगर वो विधान परिषद में सदस्य हो जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार से नियुक्तियाँ होती हैं उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, तो फिर उसका अगर सदस्य हो गया तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू रह सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उद्धव ठाकरे जी को देख लीजिए महाराष्ट्र के जो कि सीएम हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए जो कि यूपी के सीएम हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर विधान परिषद आ जाती है पश्चिम बंगाल में इन फ्यूचर में और वो भी 6 महीनों के अंदर, तो ममता बनर्जी जी ये आगे भी सीएम रहेंगी, वरना इनको 6 महीने के बाद इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर कोई और तरीका ये ढूंढेंगी। क्लियर? चलिए, अब पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों देखिए ओडिशा से शेयर कर रहा है, झारखंड से, बिहार से, इसके साथ ही असम से शेयर करता है और ऊपर ये दोस्तों शेयर करता है सिक्किम से अपना बॉर्डर, किससे, सिक्किम से भी अपना बॉर्डर ये शेयर करता है ऊपर, यहाँ पर देखिए। क्लियर? बिल्कुल, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है असम। असम में भी दोस्तों हुआ है नया चुनाव, हुआ है विधानसभा का और यहाँ पर भी नए चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी नए चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। और असम कहाँ पर पड़ता है ये देखिए मैप में, यहाँ पर है असम। असम दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पर जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं लगभग सभी से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है असम, नागालैंड से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है असम, मणिपुर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और पश्चिम बंगाल से, सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। क्लियर? तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। इसके साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हेमंत बिस्वा शर्मा किस पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल। केरल में भी विधानसभा चुनाव हुए, पिनरई विजयन जी एक बार फिर से यहाँ पर सीएम बने हैं। ठीक है, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये दोस्तों हैं ये है केरल में ही, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है। केरल कहाँ पर है, दक्षिण भारतीय राज्य है, यहाँ पर है केरला। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों तमिलनाडु से और कर्नाटक से शेयर करता है। क्लियर है? दोस्तों इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इस वजह से ये वीडियो लाई गई है आप लोगों के लिए, कि सभी राज्यों के बारे में एक सिंगल वीडियो में जानकारी आपको दी जाए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। वैसे तो मैं आपको डेली करंट अफेयर में जो भी राज्य आते हैं उसके बारे में तो बताता ही हूँ, लेकिन आज की वीडियो में आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय, मेघालय की राजधानी होती है दोस्तों शिलांग। मेघालय के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं। गवर्नर हैं यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी। मेघालय कहाँ पर है? मेघालय देखिए मैप में यहाँ पर है। मेघालय दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो केवल और केवल एक ही भारतीय राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है असम। मेघालय भी ऐसे ही है सिक्किम, ठीक है। तो मेघालय और सिक्किम दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जो केवल और केवल एक एक भारतीय राज्यों से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, बाकी विदेशों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर। ऐसे ही देखिए एक और पॉइंट, मेघालय की स्थापना जो हुई है वो 21 जनवरी 1972 को हुई है। 21 जनवरी को हुई है। 21 जनवरी 1972 को दोस्तों तीन भारतीय राज्य जुड़े थे। कब, कौन कौन से जुड़े थे? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। यहाँ मणिपुर और ये है मेघालय और ये है त्रिपुरा। ये तीन भारतीय राज्य 1972 को जुड़ गए, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य संशोधन नियम के तहत। चलिए अगला राज्य देख लेते हैं। अगला है गोवा। गोवा की राजधानी होती है दोस्तों पणजी। गोवा यहाँ पर है मैप में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अब इसको लेकर के कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। एक्चुअली में दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है गोवा का भी। अभी बीच में कुछ खबरें उठी थी कि अभी सुनील अरोड़ा जी को यहाँ का बना दिया गया है गवर्नर, लेकिन अभी वो खबरें उड़ ही रही थी कि दोबारा से वो मीडिया के सामने आए सुनील अरोड़ा जी खुद, और उन्होंने इस बात को इनकार किया, इस बात से कि वो गोवा के नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से भगत सिंह कोश्यारी जी अभी अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं गोवा के ही, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये लेटेस्ट है, आपको इसे ध्यान रखना है। गोवा देखिए मैप में, ये रहा गोवा, ओके। ये कर्नाटका से और महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर करता है शेयर। अगला उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी होती है दोस्तों देहरादून। देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल है, ध्यान रखिएगा विंटर कैपिटल है, यानी सर्दियों के मौसम का शीतकालीन राजधानी कहें तो वो है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है, गैरसैंण को, ठीक है। गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी समर कैपिटल है, ठीक है। कहाँ पर है उत्तराखंड? यहाँ पर देखिए, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड के दोस्तों सीएम अभी हाल ही में बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जगह पर आए हुए हैं तीरथ सिंह रावत, ये भी बीजेपी पार्टी से ही हैं। बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की हैं गवर्नर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये दोस्तों भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड देखिए, ये रहा, ये दोस्तों उत्तराखंड जो है ये 9 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ, या कहें उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और ये भारत के 27वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। क्लियर। उत्तराखंड अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है? ये उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, और ये हरियाणा से भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है। अगला देखते हैं, अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैप में देखेंगे आप तो यहाँ पर है, मध्य में है, भारत के एकदम बिल्कुल मिडल में है। भोपाल यहाँ की राजधानी है। यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, ये यूपी की भी गवर्नर है। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व कह ले, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? मध्य प्रदेश से ही दोस्तों छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ अभी बात आगे चल के बताएंगे आपको, 26वें राज्य के रूप में अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से गुजरात भी बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान भी और उत्तर प्रदेश भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की भी गवर्नर हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है मध्य प्रदेश का भी। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी के हैं, यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। क्लियर। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहीं से जाती हैं, उत्तर प्रदेश से ही 80 लोकसभा सीटें जाती हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में भी सीटें जाती हैं यहीं से, 31 जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा विधानसभा में भी सीटें यहीं पर हैं, ठीक है, 403। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना मैप में यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 को अलग हुआ था। गवर्नर हैं इसकी तमिलीसाई सौंदरराजन जी। इनको पुडुचेरी का भी दिया गया है अतिरिक्त प्रभार। ये पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, तो वहां की ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ओके।
के चंद्रशेखर राव जी टीआरएस पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर सीएम, और यही यहाँ के पहले सीएम भी हैं। पहले सीएम 2014 में जब 2 जून को ये अलग हुआ तो वहाँ के पहले सीएम बने ये, और ये दूसरे सीएम भी हैं एक्चुअली में, क्योंकि दोबारा जब चुनाव हुआ, दोबारा इन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया तो फिर से ये चुनाव जीत गए। तो वो दो बार से यही सीएम है, कोई और सीएम नहीं हुआ है। तेलंगाना अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये आंध्र प्रदेश से तो अलग ही हुआ था तो इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से, इधर छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला राज्य देखते हैं, अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम देखिए दोस्तों, ये है टॉप पर सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अभी दोस्तों सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस दोस्तों, 16 मई को मनाया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य, ये भारत के 36वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है, भारत का 22वां राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन के तहत ये भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और इसे भारत में जोड़ा गया इस राज्य को। इससे पहले ये राज्य नहीं था, ठीक है, भारत का। गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर हैं और प्रेम सिंह तमांग ये हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। सिक्किम देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेघालय और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल एक एक ही भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे ही सिक्किम जो है ये पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा इधर भूटान से, इधर नेपाल से और ऊपर चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की देखिए दोस्तों, राजधानी अभी हैदराबाद ही है, लेकिन इसकी आने वाले समय में 3 राजधानियां हो जाएंगी। 3 राजधानियां कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी कुर्नूल, एक हो जाएगी विशाखापत्तनम और एक हो जाएगी अमरावती। तो ये 3 राजधानियां याद रखिएगा, 3 राजधानियों वाला भारत का इकलौता राज्य होगा। अच्छा, यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। जगन मोहन रेड्डी जी ने दोस्तों अपने साथ 5 डिप्टी सीएम रखे हैं और भारत का पहला इकलौता ऐसा राज्य है जिसके 5 डिप्टी सीएम हैं, 5 उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। विश्वभूषण हरचंदन जी यहाँ के हैं गवर्नर। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और इधर उड़ीसा से शेयर करता है। अच्छा, भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला या पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश ही 1956 में, इसको ध्यान रखिएगा 7वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला देखते हैं, अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, त्रिपुरा याद रखिएगा, त्रिपुरा से 3 तरफ से ये पूरा करता है बांग्लादेश को। त्रिपुरा अगरतला यहाँ की राजधानी है। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस जी। त्रिपुरा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो त्रिपुरा दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम से और असम से। अच्छा, त्रिपुरा जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 21 जनवरी 1972 को ये गठित हुआ था और मेघालय मणिपुर के साथ गठित हुआ था। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों को 21 जनवरी 1972 को भारतीय राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला देखते हैं हरियाणा। हरियाणा की राजधानी होती है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ के करंट, हरियाणा के करंट टाइम पर सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा है कहाँ पर मैप में, हरियाणा देखिए मैप में यहाँ पर है, ये रहा हरियाणा। हरियाणा अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों दिल्ली नाम की यूनियन टेरिटरी से, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और राजस्थान से भी शेयर करता है। हिमाचल अपना बॉर्डर थोड़ा सा उत्तराखंड से भी शेयर करता है। अगला देखते हैं, अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम कहाँ पर है, मिजोरम देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है मैप में, यहाँ पर है मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य है ये, ठीक है, मिजोरम। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। मणिपुर और असम और त्रिपुरा ये 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थंगा। देखिए मिजोरम आप लोग लिखिएगा मिजोरम, ठीक है, और आगे वाला मी काट दीजिएगा तो बचेगा जोरम, जोरम थंगा जोड़ दीजिएगा, तो मिजोरम से जोरम थंगा आपको यहाँ के चीफ मिनिस्टर याद हो जाएंगे। ये मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। यहाँ के गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई जी। ये काफ़ी किताबें वगैरह लिखा करते हैं, ये कोरोना कविता काल नाम का एक अपना एक सीरीज स्टार्ट किए थे। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में ही है, ठीक है। अगला बिहार। बिहार की राजधानी होती है पटना। बिहार है यहाँ पर, ये रहा बिहार। यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, ये 7वीं बार सीएम बने हैं,
सातवीं बार सीएम बने हैं और चौथी बार लगातार सीएम बने हैं, चार बार से लगातार सीएम हैं नीतीश कुमार बिहार के। जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, यानी जेडीयू पार्टी से हैं ये, ठीक है। गवर्नर हैं फागू चौहान जी। चलिए अच्छा यहाँ पर देखिए बिहार किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। बिहार दोस्तों ये वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है और बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड। 15 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था और ये 28वें भारतीय राज्य के रूप में अलग हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ, ये 26वें भारतीय राज्य के रूप में अलग हुआ। फिर इसके 8 दिन बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो जाता है 9 नवंबर सन 2000 को और ये अलग हुआ 27वें भारतीय राज्य के रूप में। फिर इसके 6 दिन बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है और ये अलग होता है 28वें भारतीय राज्य के रूप में। ये तीनों ही आपको क्रम याद होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अगला राज्य देखते हैं झारखंड। देखिए झारखंड आ गया, झारखंड यहाँ पर है, रांची यहाँ की राजधानी है, रांची है और रांची के ही हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जिताने वाले। हेमंत सोरेन जी दोस्तों ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ की हैं करेंट टाइम पर गवर्नर। देख लीजिए झारखंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर दोस्तों वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है, ओडिशा से शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश से और बिहार से, तो ये अलग ही हुआ था। तो इतने राज्यों से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर। अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देव कानापक्षी बिहार, ये है राजस्थान में ही। राजस्थान ये रहा मैप में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान में बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इधर हरियाणा से और पंजाब से भी शेयर करता है और इस साइड ये पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला देखते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात मैप में यहाँ पर है। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये है गुजरात में ही। अच्छा गुजरात का गठन हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र के साथ ही 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र आपस में अलग हुए थे, ठीक है। तो 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस दोनों ही मनाया जाता है। गुजरात दोस्तों एक ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा भारत में सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है, तो इसका कोस्टल बॉर्डर ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे गुजरात। अच्छा यहीं पर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद शहर, जहाँ पर है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अभी हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पंजाब। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़, पंजाब यहाँ पर है मैप में। पंजाब के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। कांग्रेस पार्टी से हैं ये। यहाँ के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर जी। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, तो पंजाब अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है ये राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से, जो कि यूनियन टेरिटरी है। अगला देखते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। मणिपुर मैप में कहाँ पर है, मणिपुर देखिए यहाँ पर है मैप में। अभी मेघालय त्रिपुरा के साथ इसका भी गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। मणिपुर अपना बॉर्डर ये नागालैंड से शेयर कर रहा है, असम से शेयर कर रहा है और मिजोरम से शेयर कर रहा है। मणिपुर है बीच में, ठीक है। चलिए मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के करंट टाइम पर हैं एन बीरेन सिंह जी, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं नाजमा हेपतुल्ला। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये है दोस्तों मणिपुर में ही और ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये मणिपुर में एक बहुत ही फेमस झील है लोकटक झील, लोकटक झील पर बना हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक मैप में देखेंगे आप तो ये रहा कर्नाटक, ठीक है। बी एस येदियुरप्पा जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बजूभाई बाला। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागर होल नेशनल पार्क, ये है कर्नाटक में ही। कर्नाटक में ही गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है, ठीक है। कर्नाटक देखिए मैप में, ये रहा कर्नाटक। 1 नवंबर 1956 को ये भी गठित हुआ था। गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु और इधर केरला, इतने राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा राज्यों से बॉर्डर कौन शेयर करता है, तब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा।
नागालैंड है कहाँ पर? नागालैंड देखेंगे आप मणिपुर के ऊपर, यहाँ पर है नागालैंड। ये सेवन सिस्टर स्टेट्स तो आपको याद रखना चाहिए, इन्हें सेवन सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, और इन्हें आपको याद होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। नेफ्यू रियो जी दोस्तों यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं आर एन रवि जी। नागालैंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से शेयर करता है। 1 दिसंबर 1963 को यह स्थापित हुआ था, भारतीय राज्य के रूप में पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा इसे मिला था। अगला ओडिशा, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा मैप में यहाँ पर है दोस्तों, यहीं पर चिल्का झील है, चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर सीएम। ये 5 बार के सीएम हैं, 5 बार से लगातार सीएम हैं ये ओडिशा के, क्लियर। ओडिशा में ही नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य है, सिमलीपाल अभयारण्य है, चंदका हाथी विहार है। ओडिशा देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों वेस्ट बंगाल से शेयर करता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और इधर आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। अगला देखते हैं, अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, टॉप पर है हिमाचल प्रदेश। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, जयराम ठाकुर हैं बीजेपी की पार्टी से यहाँ के सीएम। शिकारी देवी अभ्यारण यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, तब आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। ध्यान से सुनिए, बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, तो बहुत लोग, कुछ लोग लगा देंगे इधर अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत होगा। आप देख लेंगे यहाँ पर उत्तर में कौन है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और बहुत लोग जम्मू कश्मीर या लद्दाख को लगाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो अब सबसे उत्तर में राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दोनों यूनियन टेरिटरीज से भी। ये स्थापित हुआ था 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अगला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र देखिए मैप में ये रहा महाराष्ट्र, काफी बड़ा राज्य है, मुंबई यहाँ की राजधानी है, उद्धव ठाकरे जी शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, जिन्हें गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महाराष्ट्र देखिए मैप में ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, तो 1 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये गुजरात से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से भी, इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर है। अगला राज्य देखते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की लोकेशन है यहाँ पर इंडिया के मैप में। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं अनसुईया उइके। इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ दोस्तों ये 26वें भारतीय राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और मध्य प्रदेश से ही ये टूटा हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर करता है इधर आंध्र प्रदेश से भी, इधर तेलंगाना से भी, महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी, झारखंड से भी और ओडिशा से भी, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मैप में देखिए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर यहाँ की राजधानी है, गवर्नर हैं यहाँ के बीडी मिश्रा जी और सीएम हैं यहाँ के पेमा खांडू, बीजेपी पार्टी से ये भी हैं। अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो ये अपना बॉर्डर असम से और नागालैंड से शेयर करता है, दो भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो थी दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भारत के राज्यों से लेकर की। आई होप आपको सभी राज्यों की लोकेशन पता लग गई होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी। बहुत से लोगों की ये डिमांड थी इस वीडियो की, तो इस वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी, वरना तो मैं आपको जब भी कोई स्टेट आता है तो डेली करंट अफेयर में बताता ही रहता हूँ, लेकिन एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ मिल गई। अब अगली वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो यूनियन टेरिटरीज की भी बना दी जाएगी एक सिंगल, और अगर आगे आप कहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी, मतलब भारत के जो राज्यों के जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के जो हैं, उनके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है, एक अलग वीडियो बना करके। इससे क्या होगा, आपका रिविज़न आसानी से हो सकेगा, एक सिंगल जगह पर आप तेज़ी से रिविज़न कर सकते हैं जो बेसिक जानकारियाँ हैं उनका, उनको। देखो दोस्तों ये लगता तो है बहुत आसान है, हमें आता है ऐसा है वैसा है, लेकिन जल्दबाजी में लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं, और बहुत ही जब आसान क्वेश्चन गलत होता है तो ज़्यादा दुख होता है।
तो इस वजह से ये क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, एटलीस्ट राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी तो मत गलत कीजिए, वरना बड़ी बेइज्जती होगी। चलिए, इसके साथ ही आप लोग हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह को भी चेक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, MZT ऐप पर। अभी 199 रेट्स में है हिंदी का फुल वीडियो कोर्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो कोर्स आपको संपूर्ण सफलता दिलाएगा। बहुत से बच्चों ने इसको परचेज किया हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। बहुत सारे चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप SSC GD के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। SSC GD का भी फुल कोर्स आया हुआ है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जाइए एप्लीकेशन में, चेक कीजिए, खोजिए, उसमें डिटेल्स दिया गया है क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या वीडियोज़ आई हुई हैं, आप सब कुछ चेक कर लीजिए, उसके बाद परचेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, बेझिझक अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, उसमें आपको बताया जाएगा। क्लियर? तो वीडियो को बस रखते हैं इतना ही। MZT ऐप जरूर डाउनलोड करना, वहीं पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।